नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको पीएसए की टेस्ट एग्जैक्टली क्या होती है इसकी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, इसे गैमा समाइनोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एंजाइम है जो प्रोस्टेट ग्लैंड में से सिक्रीट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मर्दों में मौजूद होता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड एजैक्युलेशन करने के लिए, सही एजैक्युलेशन के लिए सिक्रीट करता है। पीएसए यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन सीमेन को जो एजैक्युलेट में बाहर आता है उस सीमेन को लिक्विफाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लिक्विड सीमेन में स्पर्म्स अच्छी तरह से फ्लोट कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं। साथ ही साथ एक औरत के सर्वाइकल म्यूकस को डिसॉल्व करने के लिए भी पीएसए का इस्तेमाल होता है। ये औरत की सर्वाइकल म्यूकस को अच्छी तरह से डिसॉल्व करता है और स्पर्म्स को यूट्रस में जाने के लिए आसानी कर देता है। पीएसए मर्दों में यानी कि मर्दों के खून में छोटी मात्रा में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर इसकी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ये प्रोस्टेट के कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। लेकिन पीएसए की लेवल कुछ अन्य कंडीशंस में भी बढ़ सकती है, जैसे कि प्रोस्टेट की स्वेलिंग यानी कि प्रोस्टाइटिस, बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट नाम की बिनाइन कंडीशन में भी पीएसए की वैल्यू बढ़ सकती है। पीएसए की टेस्ट एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है। बाकी हर एक ब्लड टेस्ट की तरह ही इस ब्लड टेस्ट के लिए आपके नसों में से थोड़ा खून लिया जाता है और इस खून का प्रोसेसिंग किया जाता है। यूजुअली इस टेस्ट के लिए किसी भी फास्टिंग की जरूरत नहीं होती है। कोई भी स्पेशल प्रिकॉशंस इस टेस्ट के लिए यूज नहीं किए जाते, लेकिन कई बार आपके डॉक्टर आपको एक खास सजेशन दे सकते हैं कि ये टेस्ट करवाने के 2 दिन पहले तक किसी भी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी ना करवाएं। ज्यादातर पीएसए की टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज होती है। प्रोस्टेट के कैंसर, जो मर्दों में पाया जाने वाला एक बहुत ही कॉमन कैंसर है, इसकी डायग्नोसिस या फिर इसकी स्क्रीनिंग पीएसए के टेस्ट के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ अगर किसी में प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस हो गई हो तो उनकी ट्रीटमेंट सही है या नहीं, उनका कैंसर प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, इस सब की भी पहचान हमें इस पीएसए की टेस्ट के द्वारा हो सकती है। किसी की अगर कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई हो, प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट अगर हो चुकी हो और कैंसर फ्री डिक्लेयर हो गए हो, तो उनके डॉक्टर, आपके डॉक्टर आपको पीएसए की टेस्ट रेगुलर बेसिस पे करवाने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट से कैंसर का रिकरेंस हो रहा है या नहीं ये भी डॉक्टर समझ सकते हैं। इसीलिए ये टेस्ट यानी कि पीएसए टेस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए। कई बार पीएसए टेस्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर को भी डायग्नोस कर लेता है और पेशेंट को ज्यादा दिक्कत होने से बचा लेता है, लेकिन उसी एक कारण की वजह से उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। कई पेशेंट्स में ये लेवल हाई होने की वजह से ओवर डायग्नोसिस हो सकती है, अननेसेसरी बायोप्सी करी जा सकती है, क्योंकि पीएसए की लेवल कुछ बाकी कंडीशंस में भी बढ़ सकती है, जैसे कि बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट और प्रोस्टाइटिस। अगर आपको आपके डॉक्टर ने पीएसए की टेस्ट का सजेशन दिया हुआ है तो आपको लैब वाले पूछेंगे कि आपको एग्जैक्टली किस टाइप की टेस्ट करवानी है, फ्री पीएसए या टोटल पीएसए। पीएसए पुरुषों के शरीर में 2 प्रकार में डिस्ट्रीब्यूट होता है, आइदर वो फ्रीली घूमता होता है या फिर वो किसी प्रोटीन से अटैच होके घूमता है। अटैच हुए पीएसए को अटैच्ड पीएसए बोलते हैं और जो अनबाउंड होता है उसे कहते हैं फ्री पीएसए। टोटल पीएसए की टेस्ट दोनों पीएसए का कैलकुलेशन रिपोर्ट करता है।
लेकिन फ्री पीएसए की टेस्ट सिर्फ फ्रीली अवेलेबल पीएसए का रिपोर्ट देता है। अगर आपको पीएसए की टेस्ट का सजेशन दिया हुआ है या फिर आपने ऑलरेडी ये टेस्ट करवा ली है और आपको रिपोर्ट कैसे पढ़े ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारा पीएसए रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन वाला वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ एक बात जरूर याद रखें, अगर आपको पीएसए का सजेशन दिया हुआ है तो ये टेस्ट किसी अच्छे ऑथेंटिक जेन्युइन लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट पाने के लिए एक अच्छी लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।